एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मैं राष्ट्रपति होती हूं उसके विशेष संवादात्मक सत्र के लिए धन्यवाद देती हूं। भारत तिमोर तिस्ते के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। हम जल्दी तिमोर तिस्ते में एक दूतावास को खोलेंगे, इससे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इससे पहले हमारे साथ जुड़ने और मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मैं राष्ट्रपति भारत की भी आभारी हूँ। भारत और भारतीयों के प्रति उनके गहरे स्नेह की अभिव्यक्ति है और ये भावना हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे दिया गया ग्रैंड कलर ऑफ टिमोर लेस्ट का सम्मान भी इसी स्नेह और विशेष मित्रता का ही एक दर्शाता है। भाइयों और बहनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत तिमोर लेस्ट के साथ राजनयिक संबंधों स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध लोकतंत्र और बहुलता के साझा मूल्यों पर आधारित है। संजोली कॉलेज में शनिवार को एसएफआई के छात्रों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा किया। एसएफआई ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को धरने के दौरान एक शिक्षक द्वारा एसएफआई के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। एसएफआई के राज्य सचिव दिनत टेंडा ने कहा, शुक्रवार को फीस वृद्धि के विरोध में कार्यकर्ता कैंपस में धरना दे रहे थे। इस दौरान एक शिक्षक द्वारा एसएफआई के छात्रों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र को शिक्षक द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि इस बाबत लक्कर बाजार चौकी में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है, साथ ही प्रधानाचार्य को भी कंप्लेंट की गई है। दिनत टेंडा ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रिंसिपल ऑफिस में आज एसएफआई के कार्यकर्ता जाते हैं तो ये प्रोफेसर छात्रों को डराने धमकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से छात्रों को डराने का माहौल कॉलेज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा व्यवहार भी कॉलेज में नहीं होना चाहिए और आने वाले दिनों में एसएफआई कॉलेज में उग्र आंदोलन करेगी। मामला था उस पे भी थोड़ा। देखिए, मामला आप लोगों के ध्यान में होगा, पिछले कल जब कॉलेज के छात्र, हमारी कॉलेज की जो इकाई है, वो इकाई जब अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही थी, फीस बढ़ने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो इस कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर है डॉक्टर दीपक कपरेट, मुझे तो प्रोफेसर बोलने में शर्म आ रही है उनको, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए, अपने निजी हितार्थ के लिए, अपने राजनीतिक समझ के चलते एसएफआई के प्रधान सेक्रेटरी पर हमला बोलता है, उनको मारता है पीटता है, उसके बाद उन्हें संजौली चौक पर मिलने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। हमने पिछले कल प्रिंसिपल मैडम को यहाँ पर कंप्लेंट दी, हमने लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी के अंदर कंप्लेंट दी। हमारा मानना है कि इस तरह के अगर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर हो गए तो सरासर कॉलेज का माहौल जो बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। ये प्रोफेसर नहीं है, गुंडे। अभी जब एसएफआई के लोग अंदर मिलने गए तो आप मीडिया के सभी साथी वहां पर थे, हमारे पास वीडियो बनी है, आप लोग देखेंगे उस वीडियो के माध्यम से कि ये जो प्रोफेसर है ये खुद मान रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ। हाँ, मैं गुंडा हूँ, तुमने क्या कर लेना। ऐसे गुंडों के लिए हमारे पास एक ही जवाब है कि हम पूरे छात्रों को एकत्र करेंगे, पूरे छात्रों के साथ हम इस कॉलेज के अंदर फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम ऐसे गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एसएफआई का इतिहास बलिदान और कुर्बानियों का रहा है। इस कॉलेज के अंदर इनके जैसे बहुत सारे गुंडे, इनके जैसे बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता जो यहाँ प्रोफेसर बनकर आते हैं उनके खिलाफ हम लड़े हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हम अभी 250 उनका राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन प्रोफेसरों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इलीगल तरीके से भर्ती किए गए हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई आगे जाएगी, निश्चित तौर पर आगे जाएगी। अगर ये रवैया इनका रहेगा तो आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे प्रोफेसरों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इस कॉलेज के अंदर आने वाले दिनों के अंदर पूरे जोर से धरना प्रदर्शन करेंगे उस कॉलेज को बंद करने का। वहीं एसएफआई के सचिव अंशुल ने कहा कि जब शुक्रवार को एसएफआई कार्यकर्ता फीस वृद्धि व छात्र मांगों को लेकर कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी समय कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक आते हैं और उनके साथ तथा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। अंशुल ने शिक्षक पर गला दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत कॉलेज प्रशासन द्वारा लक्कड़ बाजार चौकी में गलत व्यवहार की झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि एसएफआई केवल धरने के माध्यम से छात्रों की मांगों को उठा रही थी। जी, मेरा नाम अंशुल है और मैं एसएफआई का सेक्रेटरी हूं संजौली कॉलेज। जो आज ये मुद्दा, जो आज इसके कॉलेज के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो ये है कि पिछले कल जब एसएफआई जो है संजौली इस कैंपस के अंदर जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रही थी, उसमें जो है कुछ छात्र मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। छात्र मांगे कुछ इस प्रकार थी कि हमने देखा कि पिछले साल जो हॉस्टल की फीस थी
इसमें जो वृद्धि करके 5,000 बढ़ाकर उसे जो है 22,000 कर दिया गया है। जब SFI ये सवाल उठाती है कि ये जो 5,000 की जो वृद्धि फीस की वृद्धि की गई है ये क्यों की गई है, तो जो प्रशासन है उसके द्वारा ये कहा जाता है कि बीते के जो 4 साल है उस बीच का जो पानी का बिल है वो जो है भरा नहीं गया है, इसलिए जो है इस फीस की बढ़ोतरी की गई है। तो SFI ये सवाल उठाती है कि अगर 4 साल में बीते के 4 साल का जो पानी का बिल है वो क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि उस समय भी जो हॉस्टल की फीस ली गई थी और हॉस्टल के अंदर जो है छात्र रह रहा था। लेकिन जो प्रशासन है वो जो है बिल्कुल नकारात्मक रवैये के साथ ये कह देता है कि इसका जो जानकारी है वो हम देना पर्याप्त नहीं समझते हैं। और इसी के साथ जो दूसरी हमारी मुख्य मांग थी वो ये थी कि कॉलेज कैंपस के अंदर हम देखते हैं कि जो छात्र है वो दूर दूर से पढ़ने के लिए आता है और उसी बीच जो है उसको जो है अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो SFI एक और मांग उठा रही थी वो ये थी कि कॉलेज के अंदर जो कैंटीन है उसकी जो गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उसका जो रेट है उसे जो सब्सिडाइज किया जाए, उसे जो है कम किया जाए और उसकी जो फूड क्वालिटी और उसकी जो मेंटेनेंस जो है प्रॉपर चेक रखा जाए। और इसी के साथ आप जो है पीछे जो है कैंपस कैफ़े देख सकते हैं, ये जो कैंपस कैफ़े है ये जो है एक नॉन सब्सिडाइज रेट के अंदर जो है अपनी जो है आइटम्स यहाँ बेच रहा है। और जब SFI जो है इसका विरोध करती है तो उस समय जो है यहाँ के जो इंग्लिश के प्रोफेसर है डॉक्टर दीपक कपरेट वो जो है यहाँ ऑफिस के अंदर से आते हैं और जो है एक बिल्कुल आक्रोश के साथ जो है हमारे जो है छात्र नेताओं पर, खासतौर पर जो प्रधान और सचिव जो इस कैंपस के हैं उन पर जो है हमला करने की कोशिश करते हैं। जिस बीच जो है मुठभेड़ के कारण उन जो सचिव हैं यानी कि मैं जो है मेरी शर्ट फट जाती है और जो है मेरा गला दबाने की कोशिश जो है इस ऑफिस के अंदर की जाती है और जो मेरे प्रधान हैं उनकी जो है गला दबाने की कोशिश की जाती है। और जब SFI इसका विरोध करती है तो ये जो झूठी कंप्लेंट पर लक्कड़ बाजार के अंदर भेजते हैं और कहते हैं कि जो जो ये छात्र नेता हैं इन्होंने जो है इनके साथ बदतमीजी की है। जो ये कैफे है इसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैफे है ये जो है रिश्तेदारी के नाते जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका जो ठेका है वो एक रिश्तेदार को दिया गया है और इसका जो रेट है वो जो है कैंपस कैफे डिसाइड कर रहा है, ना कि कॉलेज अथॉरिटी। और जब SFI जो है इससे बात करने गई और हमने ये कहा कि जो इसका रेट है ये जो एक सब्सिडाइज रेट होना चाहिए, तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो ये कहती है कि जो खा सकता है वो खाए, जो नहीं खा सकता उसके जिम्मेवार हम नहीं है, वो नीचे कैंटीन जाए या वो जो है परे संजौली चौक जाकर किसी ढाबे के अंदर खाए। हमारा ये सवाल था कि अगर ये कॉलेज के जो कैफे है ये कॉलेज के अंदर खुला है तो इसका एक्सेस भी जो है स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। यहाँ पे जो कोई बाहर से आके कोई बड़ा जो है यहाँ पे कोई ठेकेदार या पूंजीपति आके यहाँ नहीं खाएगा, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वही जो है इसको एक्सेस करेगा। लेकिन इससे क्या, छात्रों ने प्रधानाचार्य से शिकायत कर शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग उठाई। इस दौरान SFI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। प्रतापगढ़ में फर्जी कॉलेज को खोलकर छात्रों से ठगी करने के मामले में पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घोटाले का पर्दाफाश किया। जिले के संग्रामगढ़ क्षेत्र में बड़ा शिक्षा घोटाला सामने आया। गेटवे कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मेडिकल कॉलेज नामक संस्थान ने फेल छात्रों को पास कराने और कम फीस में विभिन्न कोर्स और डिप्लोमा कराने का झांसा देकर बड़ी संख्या में छात्रों से मोटी रकम वसूली। पीड़ित छात्रों ने इस मामले की शिकायत संग्रामगढ़ थाना पुलिस से की, जिसके बाद मामले की जांच को शुरू किया गया और तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया। ये 2015-16 में आशीष नाम के व्यक्ति ने एक सोसाइटी बनाई और एक गेटवे फार्मेसी और मेडिकल कॉलेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला और उसमें फिर इसने कुछ कई बच्चों को उसमें बी फार्मा, डी फार्मा और अन्य जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो उनका कोर्स कराने के बहाने उनका एडमिशन लिया। धीरे धीरे बच्चों को ये मालूम हुआ कि ना इसका कहीं कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम संचालित नहीं होता था, ना कोई इंस्टीट्यूट है और फर्जी तरीके से ये उनकी परीक्षा करा के और राजस्थान की किसी एक यूनिवर्सिटी से इनको डिग्री दिया करता था। बाद में जब बच्चों ने उस डिग्री के आधार पर आवेदन शुरू किया तो वो डिस्क्वालीफाई पाए गए, तो उन्हें इस फ्रॉड का एहसास हुआ। कई बच्चों ने आके इसमें पुलिस को शिकायत किया। प्रयागराज और प्रतापगढ़ जनपद के अधिकतर ये बच्चे लगभग 200-250 की संख्या में हैं बताए जा रहे हैं। इस प्रकरण को प्रतापगढ़ पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया और SHO संग्रामगढ़ और साइबर प्रभारी और CO लालगंज को इसमें जांच के लिए निर्देशित किया गया। इनकी टीम ने जब इसमें गहन जाँच की तो ये सारे तथ्य निकल के आए कि आशीष यादव नाम का एक व्यक्ति ये फर्जी इंस्टीट्यूट संचालित करता था और बच्चों से फ्रॉड करता था। इससे काफ़ी मात्रा में जो अभिलेखीय दस्तावेज हैं
वो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इसके फ्रॉड के बारे में प्राप्त हुई हैं उन सब का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके विभिन्न खातों में 9,60,000 रुपए की धनराशि बैंक खातों में फ्रीज कराई गई है। उधर मंडीदीप में जिम करने को लेकर मामूली कहासुनी में दो पक्षों में विवाद हो गया। यह मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने जिम में लड़कों को बुलवाया और वहीं नंगी तलवारें घुमाते हुए युवक पर तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल शुभम खटीक और उसके साथियों द्वारा मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सहित तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। मंडीदीप ने जो जिम में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था उसमें डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर प्राइमरी डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर धारा 296, 115(2), 118(1), 351(3) और 35 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें दो लोगों को राउंड अप किया गया है और एक व्यक्ति की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। इसमें आरोपी कौन-कौन है मैडम, नाम? इसमें तीन आरोपी है, शुभम खटीक, गणपत खटीक और अमित तोमर। झज्जर के कस्बा बेरी के अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी द्वारा बदलाव रैली का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल। रैली में पहुंचने पर सुनीता केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने भाषण के दौरान रैली को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हरियाणा के लाल केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए कामों से घबराई हुई है। सभा के अंदर बदलाव जनसभा को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी बेरी के अंदर आई। हजारों की संख्या में महिलाएं और हजारों की संख्या के अंदर पुरुष यहां पर आए और केजरीवाल की 5 गारंटी को लेकर सब उत्साहित हैं और चाहते हैं हरियाणा के लाल केजरीवाल जल्द से जल्द हरियाणा में भी सरकार बनाए और हरियाणा को भी दिल्ली की तरह विकसित करें। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था इस तानाशाही को एक करारा तमाचा मार रही है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, डरते हुए तानाशाह ने दूसरे एजेंसी के थ्रू दोबारा गिरफ्तार कर लिया। कल मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आए हैं, उससे कुछ दिन पहले संजय सिंह जी जेल से बाहर आए थे। ये सारी बातें साबित करते हैं कि जो फर्जी मनगढ़ंत केस जिसके अंदर आज तक 25 पैसे भी रिकवर नहीं हुए, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। भारत की न्याय प्रणाली इसको न्याय देगी। रिस्ताना साहब को जवाब दें। आप अपनी 5 गारंटी को लेकर के शिक्षा मॉडल और बिजली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में दोबारा से बिजली के बिल शुरू कर दिए गए, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली में आज भी बिजली माफ है, ये गलतफहमी है। पूरी कोशिश एलजी के माध्यम से बीजेपी करती है कि बिजली ये हम फ्री ना दे पाए, 24 घंटे ना दे पाए, परंतु दिल्ली सरकार 24 घंटे बिजली देती है। और इसी के साथ ही उत्तर भारत में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।